हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग 1972 में डिज़ाइन किया गया था। डेनिस रिच ने डिज़ाइन किया था। और ये सी प्रोग्रामिंग एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और बात करें, सी प्रोग्रामिंग को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है सभी लैंग्वेज को। ऐसा क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज जो है 1972 में डिज़ाइन किया गया था। तब तक बहुत कम ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और अगर फीचर की बात करें तो ये इजी टू लर्न, इजीली आप लर्न कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंटैक्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। और इसमें खासियत क्या है कि अगर आप जैसे विंडोज़ में आप प्रोग्राम बनाएं, तो अगर उसी प्रोग्राम को अगर रन कराना चाहते हैं मैक OS या लिनक्स पे, तो वहाँ भी रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट पॉइंट यही है, इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो पोर्टेबल लैंग्वेज यही होती है कि मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम लोग रन करा सकते हैं। और इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। एंड सी प्रोग्रामिंग जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने में। और इसमें पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट है। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, और इस एड्रेस का यूज करके उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग फेच कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आप नए नए प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग अधिकतर कॉलेजों में सिखाया जाता है। और फर्स्ट टाइम अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हैं तो सी प्रोग्राम का ही यूज करके मोस्टली सब करते हैं। तो इसलिए इजीली इसमें इम्प्लीमेंट भी हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे देखिए, इजीली और लेस मेमोरी लेता है स्टोर करने में। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट यही दिया गया है। ओके, और अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो सी प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और सी प्रोग्रामिंग जो है उप्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होता है तो ईजिली हम लोग एरर और बग्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और उप्स का कंसेप्ट न होने पे हमारा कंस्ट्रक्टर और भी प्रॉपर्टी जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इस तरह का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।